हेलो बच्चों, आज हम करेंगे यूज़ ऑफ़ हैज़ एंड हैव। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने हैज़ कहाँ यूज़ करना है और हैव कहाँ यूज़ करना है। बेटा बेटा, आपने हैज़ का यूज़ ही शी इट और पर्टिकुलर नेम, जैसे कोई कोई ख़ास नाम हो उसके साथ आपने हैज़ का यूज़ करना है। और हैव का बेटा आपने आई यू वी दे और ग्रुप ऑफ पर्सन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हों, ग्रुप हो पर्सन का, वहाँ पे आपने हैव यूज़ करना है। जैसे कि बेटा कुछ सेंटेंस है, आई ए न्यू बाईसाइकिल, आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? हैव का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैव, आई हैव ए न्यू बाईसाइकिल। रिया ए पेट पैरट, मैंने आपको बताया था कोई ख़ास नाम हो, पर्टिकुलर नेम हो तो क्या यूज़ करेंगे? हैज़। रिया हैज़ ए पेट पैरट। दे फ्रूट्स, दे के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। दे हैव फ्रूट्स। इट कर्ली हेयर, इट के साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। इट हैज़ कर्ली हेयर। वही चॉकलेट्स, वही के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। वही हैव चॉकलेट्स। रोहित न्यू गॉगल्स, अब यहाँ पर पर्टिकुलर नेम आया है तो किस क्या यूज़ करेंगे? हैज़। तो बेटा आपने हैज़ और हैव का यूज़ ऐसे करना है, आपने इनको एक सर्कल बनाकर और यहाँ पर इनके लिखकर ही शी इट और पर्टिकुलर नेम ऐसे याद रखना है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि आपने हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ करना है। ओके बेटा।